गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। मैं प्रेम कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम में तहे दिल से वेलकम करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है, जिसमें से मैं पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट फोर तक मैं बता चुका हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने परसेंटेज का पार्ट फाइव बताने वाला हूँ। और दोस्तों, इसमें आप लोग का बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं बताऊँगा, ठीक ना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्स का मान वाई के मान से 25% कम। देखिए क्या बोल रहा है कि एक्स का जो वैल्यू है वाई के वैल्यू से 25% लॉस है, यानी 25% क्या है, कम है। तो वाई का मान एक्स के मान से कितना परसेंट अधिक है, जिसमें क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें तो अधिक परसेंट दिया हुआ था, कम परसेंट पूछ रहा था, अधिक परसेंट गिवेन में था और फाइंड कर रहा था कम परसेंट, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, जस्ट उसका ऑपोजिट है। कहने का मतलब है कि 25% कम या कोई भी 25% कुछ भी हो, कुछ कोई भी एनी नंबर, ठीक ना, लेकिन कम होना चाहिए और फाइंड करना चाहिए अधिक परसेंटेज क्या होगा, यानी कम परसेंटेज हो और अधिक परसेंट 33 सही 1/3% होगा ना। चलिए, आया समझ में, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में पूरा बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए का तनख्वाह यानी इनकम जो है बी से 50% लेस है, यानी 50% क्या है, कम है। तो बी की तनख्वाह ए से कितना परसेंट अधिक है। चलिए इसको फटाक से करते हैं। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कम दिया है, अधिक पूछ रहा है, कम परसेंट दिया, अधिक दिया है। देखिए दो के बीच बात हो रहा है, ए और बी के बीच। देखिए यहाँ ए हो, बी हो, मोहन है, कुछ भी, ठीक ना। तो देखो ए का तनख्वाह 20 से 50% कम है, ये सब हमको लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो या ना हो, देखिए यहाँ पर दिया मेन पॉइंट क्या है, इसको देखना है। 50% कम, बी की तनख्वाह ए से तो अधिक होगा ही, तो कितना परसेंट अधिक होगा ये फाइंड करना है, बस इतने देखना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, जब भी आपको कम परसेंट दिया और अधिक परसेंट निकालने बोल रहा तो एकदम आसान सा ट्रिक है। देखिए अधिक आपके माइंड में फटाक से बैठ जाएगा, देखते रहिए वीडियो को, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग पूरा देखिए वीडियो को। देखिए क्या है, 50 है, 50 ऊपर कर देना है, ठीक ना। या 100 प्लस करते थे आगे, इसमें करें 100 माइनस, क्या करेंगे 100 माइनस 50, 100 माइनस क्या करेंगे 50 इंटू क्या होगा 100, क्लियर है। कुछ नहीं करना, देखिए क्या किए कि जब भी कम परसेंट है उसको ऊपर लिखना है, फिर 100 में कम परसेंट को माइनस करके नीचे लिखना है, फिर 100 से इंटू कर देना है, क्लियर है। क्या बोले कि जो कम परसेंट दिया है कम वो ऊपर लिखना है, नीचे 100 माइनस उस कम को माइनस कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई, बस ये ट्रिक याद रखिए दिमाग में, अधिक बोलेगा तो ये करना है, ठीक ना। चलिए क्या है, 50 बटे 100 माइनस 50 इक्वल टू 50 इंटू क्या 100, तो 50 कैंसिल हो गया, बचा क्या 100, तो 100% आंसर, समझ में। चलिए चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए कीजिए इसको तो फटाक से बनाइए। तो क्या है कि मोहन का वेतन में 10% की कमी कर दी गई, उसके वेतन को पुनः मूल राशि पर करने के लिए वेतन में कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी। देखिए कुछ भी पूछे, लेकिन सबसे पहले मेन हम क्या बताएं आप लोगों कि मेन पॉइंट वही है कि सबसे पहले दिया क्या है, गिवन में क्या है, 10% क्या है कमी, 10% क्या है कमी, इस पर ध्यान देना है। फाइंड क्या करना है, उसके वेतन में पुनः मूल राशि लाने के लिए उसके वजह कितने परसेंट की वृद्धि, वृद्धि यानी अधिक, ठीक ना। कितनों भी लंबा चौड़ा क्वेश्चंस क्यों ना कर दे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखना कि गिवन में क्या है, गिवन में 10% की कमी है और निकालना है 10% की वृद्धि, ठीक ना। चलिए यानी बोल रहा है, क्वेश्चन समझ लीजिए थोड़ा, मोहन के जो वेतन है ठीक ना, उसमें क्या बोल रहा है कि 10% कम हो गया, उसको फिर से वापस लाने के लिए कितना परसेंट की वृद्धि करना होगा, वृद्धि पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे वृद्धि परसेंट पूछ रहा है, तो बराबर क्या होगा कमी ऊपर, तो कम है 10, अब 100 माइनस 10, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90 इंटू 100, बस बहुत जल्दी करना है, 1010, तो क्या होगा 100/9। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 11 सही 1/9, क्लियर है। चलिए चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राम
घर से राम अपने घर से स्कूल जाने के लिए नियमित चाल से 20% कम चाल से चलता है, यानी जो रेगुलर चाल उसका था, स्पीड था, उससे क्या करता है 20% चाल को घटा के वो चल रहा है, ठीक ना। तो 20% कम ये गिवन में चाल से चलता है, तो उसके द्वारा, किसके द्वारा, राम के द्वारा लगे समय में प्रतिशत वृद्धि होगी, यानी कितने प्रतिशत में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी सबसे पहले हम आप लोगों को क्या बताए हैं कि हमेशा दो कंडीशन याद रखिएगा इस क्वेश्चन में कि क्या आपको गिवन में है, तो गिवन में कम है या अधिक है, तो गिवन में कम परसेंट है तो फाइंड करना है बिल्कुल आपको उसका अपोजिट फाइंड करना होगा, यानी वृद्धि परसेंट, ठीक ना। और वृद्धि परसेंट के लिए हम अभी अभी आप लोग को बताते हैं कि वृद्धि के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि जो कम है तो कम क्या 20 है तो सिर्फ 20 ऊपर में लिखेंगे, फिर 100 में माइनस कर देंगे 20, 100 में क्या करेंगे 20 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, यहाँ 80 हो जाएगा, फिर इंटू क्या करेंगे 100, फिर क्या करेंगे सॉल्व करके 1010 कैंसिल, 24 जाइड, फिर 4 25 जा 100, यानी 25 पर। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, और क्वेश्चन देखिए क्या है, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% कम है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, ठीक ना। कुछ नहीं करना है, कम परसेंट गिवन में है, अधिक परसेंट फाइंड करना है, ठीक ना। चाहे नीता हो, पायल हो, कहीं और भी कुछ हो, क्या दिख उससे प्रॉब्लम नहीं है। जब अधिक परसेंट निकालना है, अधिक परसेंट, तो क्या बताए थे, इसको हमेशा माइंड में बैठाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा क्या कीजिएगा, जैसे देखिए अधिक है तो सबसे पहले कम को ऊपर, तो कम क्या 25, कम क्या है 25 ऊपर, फिर 100 माइनस करना है कम, तो 100 में माइनस कर देंगे 25, तो कितना आएगा 75, क्लियर है, इंटू क्या होगा 100, क्लियर है। अब इसको कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 25 3 जा कितना होगा 25 3 जा 75, तो 100/3 यानी 11 से 1/3% होगा ना। चलिए देखिए, मेरा समझाने का मतलब है कि देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर रहे तो हमेशा एक बात याद रखें कि अधिक पूछे तो क्या करना है कि कम जो दिया रहेगा तो ही अधिक पूछेगा, ठीक ना। और अगर अधिक दिया है तो आपको कम पूछेगा, तो इसके लिए मैं पिछला वीडियो बना चुका हूँ जिसमें सब जाके देख लीजिएगा, उसमें क्या था, जस्ट इसका अपोजिट वाला क्वेश्चन था, ठीक ना। चलिए देखिए, जब भी अधिक है तो अब क्या होगा कि अधिक है तो अधिक जब भी निकलेगा तो क्या करना मेरे प्यारे दोस्तों कि 25 यानी जो भी है उसको कम को ऊपर करना है, हमेशा ध्यान दीजिएगा ऊपर करना है, फिर नीचे क्या करना है 100 माइनस कम कर देना है, 100 माइनस कम और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका अधिक परसेंटेज निकल जाएगा, क्लियर है। चलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, और देखिए कोई भी बुक उठा के उसका रिवीजन कीजिए, आपका सब क्वेश्चन फटाफट बनेगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ यूनिक सीखने को मिले, ठीक ना। और आप लोग एक बार बता दे रहा हूँ कि मैं इस क्वेश्चंस को धीरे धीरे एडवांस तक पढ़ाते चलूँगा, ठीक ना। और जैसा भी आप लोगों को क्वेश्चंस हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका सलूशन जरूर दूंगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।